people are kind of, people who follow me or people who believe in me, they put in this certain trust in you. तो उन्हें लगता है कि अगर आप कोई ब्रांड सपोर्ट कर रहे हैं या आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड पहनते हैं तो इट शुड बी गुड. सो आई थिंक एक क्वालिटी और एक ट्रस्ट वैल्यू जो है वो एक सेलिब्रिटी के थ्रू आती है. सो इवन एज अ सेलिब्रिटी वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस कि हम जो ब्रांड चूज़ करते हैं या हम जो भी ब्रांड प्रमोट करते हैं उसमें हम बिलीव करें. एंड आई थिंक Aldo इज़ अ ब्रांड दैट आई पर्सनली बाय फ्रॉम एंड आई हैव बीन बाइंग फ्रॉम Aldo सिंस अ लॉन्ग टाइम. So I was really happy when they asked me to come and support. Brand conscious मैं actually नहीं हूँ काफ़ी because I think I've just been born and brought up in that way where you know brands धीरे 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 try करना आप start होते हो. And I think a lot of brands which probably are very very new to me but they've been there for a long time. But Aldo is one particular brand which I think मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं जब मूवीज़ करना स्टार्ट हुई तब मैंने पहनना शुरू करा. आई थिंक इट्स समथिंग विच अ नॉर्मल गर्ल कैन वेयर. इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी अफोर्डेबल एंड देयर शूज़ एंड देयर बैग्स एंड एवरीथिंग एक्सेसरीज, आई थिंक एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी यंग एंड वेरी फेमिनिन आई वुड फील. सो या इट्स अ ब्रांड दैट आई हैव बीन वेयरिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम. मैं सिंगिस ब्लिंग अप नहीं कर रही हूँ एज यू मस्ट हैव रेड. लेकिन हाँ, काफ़ी रीजंस की वजह से वो फिल्म जो है वो थोड़ी पोस्टपोन हो रही थी कॉन्स्टेंटली. एंड आई एम अनफॉर्चुनेटली नॉट एबल टू डू द फिल्म. आई वॉज रियली प्रिपेयरिंग अ लॉट फॉर द फिल्म एंड आई रियली वॉन्टेड टू डू इट. अक्षय कुमार एंड प्रभु देवा, दे आर अ टीम दैट यू ऑलवेज वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ. सो अनफॉर्चुनेटली इट वॉज गेटिंग डिलेड और फाइनली अब जब वो स्टार्ट हो रही है द डेट्स आर क्लैशिंग विद माई अदर प्रोजेक्ट्स. सो आई थिंक इट वॉज अ म्यूचुअल डिसीजन. हमने बहुत कोशिश करी, मैंने और प्रोड्यूसर अश्विनी आर्डी ने, टू वर्क आउट द डेट्स. बट अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स इट्स नॉट इन योर हैंड्स एंड यू कैंट डू एनी थिंग अबाउट इट. सो आई थिंक वी म्यूचुअली डिसाइडेड दैट आई शुड प्रोबेबली स्टेप आउट ऑफ द फिल्म. एंड आई थिंक एमी इज़ डूइंग द फिल्म नाउ एंड आई गेस आई नो द स्क्रिप्ट. सो आई नो दैट शी सूट्स द रोल परफेक्टली एंड आई होप आई विश हर ऑल द बेस्ट.